हेलो फ्रेंड्स, किरण द नेटर पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही सुंदर डिज़ाइन। ये डिज़ाइन आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, कार्डिगन पे डाल सकते हो, बच्चों के स्वेटर पे डाल सकते हो, बेबी ब्लैंकेट पे डाल सकते हो और डोरमेट पे डाल सकते हो। कहीं भी अप्लाई करोगे बहुत ही सुंदर लगेगा। और ये डिज़ाइन आप दो कलर में बना सकते हो, तीन कलर में बना सकते हो और मल्टी कलर में भी बना सकते हो। जैसे आपके पास लेफ्ट ओवर वूल बची है, बची खुची वूल है, तो आप इससे अलग अलग कलर लगा के आप डोर मैट बना सकते हैं और बच्चों का ब्लैंकेट भी बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगता है और ये डिज़ाइन बहुत ही इजीएस्ट डिज़ाइन है। बिगनर लेवल के लोग भी इसको बहुत आराम से बना लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाए। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए लिए हैं मैंने 18 फंदे। ये डिज़ाइन 3-3 के मल्टीपल में चलता है। आप 3-3 के मल्टीपल्स करके +1 कर लेंगे तो आपका डिज़ाइन स्वेटर पे और कहीं भी एडजस्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने यूज़ की है, देखिए ये 10 नंबर की सिलाई, और दो कलर यूज़ किए हैं। एक मैंने ये पर्पल कलर इसमें यूज़ किया है और एक ये क्रीम। आप इसमें कितने भी कलर लगा सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे बनाया जाए। फ्रेंड्स देखिए, ये इसकी रोंग साइड है। रोंग साइड की मैं बेसिक रो इसकी पहले डाल लेती हूँ स्टार्टिंग में। जब आप स्टार्टिंग से डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे शुरुआत से, तो आपको ये बेसिक रो इसकी डालनी पड़ेगी। ये मैं उल्टा है तो मैं इसको सारा उल्टा ही बुन के कंप्लीट कर लूँगी। ये इसकी बेसिक रो है, एक बार ही आपको ये डालनी है। देखिए फ्रेंड्स, बेसिक रो मैंने कंप्लीट कर ली है इसकी उल्टी बुन के। आप जब बुनेंगे, आप बीच में से जब बॉर्डर के बाद में या ऐसे बुनेंगे, तो आपको बेसिक रो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं इसको नीचे से बुन रही हूँ स्टार्टिंग से, तो मेरे को इसमें एक बेसिक रो डालनी है। देखिए मैंने ये कंप्लीट कर लिया रोंग साइड की रो। देखिए रो 1 है इसकी, ये राइट साइड है। डिज़ाइन यहीं से आपका स्टार्ट है। देखिए इसमें सीधे फंदे बुनेंगे 3। ये हमारा एक एज स्टिच है, यहाँ भी होगा और ये लास्ट में भी रखेंगे हम 3 सीधे। देखिए स्टार्टिंग में हम 3 सीधे, 1 2 3, ये हमारा एज स्टिच है। ये 2 स्टिचेस का डिज़ाइन स्टार्ट है और ये 4th स्टिचेस है, जो इसको स्टिच है इसको 2 बार घुमा के बुनेंगे। देखिए फिर 2 सीधे, 1 2, थर्ड को फिर ये धागा घुमा के बुनेंगे। देखिए ऐसे, फिर 2 सीधे, 1 2, फिर थर्ड को धागा घुमा के ऐसे, 1 2, और थर्ड को ये धागा घुमा के बुन लेंगे। देखिए ऐसे। अब देखिए 2 हमारे पास ये डिज़ाइन के, 1 और 2, और ये है हमारा एज स्टिच जो हमने स्टार्टिंग में रखा है। और देखिए स्टार्टिंग में और लास्ट में दोनों जगह हमने इसको रखा है। ये 1st रो मैंने राइट साइड की कंप्लीट कर ली है। देखिए रोंग साइड की रो है, रो नंबर 2। रो नंबर 2 देखिए कैसे बुनेंगे। ये एज स्टिच है, इसको ऐसे उतार लेंगे और धागा पीछे को ले जाके 2 स्टिच उल्टे बुने सीधे बुनेंगे इधर से, 1 और ये 2। देखिए फिर धागा आगे लाएंगे और इस वाले स्टिच को हम खोल लेंगे। देखिए ऐसे, इसको ऐसे रख लेंगे, फिर धागा पीछे ले जाएंगे, 1 2, धागा आगे लाएंगे, ये स्टिच खोल लेंगे और इसको स्लिप करेंगे, बुनना नहीं है इसको हमें। फिर धागा पीछे ले जाएंगे, 2 स्टिच सीधे, 1 2, बहुत ही इजी डिज़ाइन। देखिए ये स्टिच खोल लेंगे,
धागा पीछे, वन टू, फिर धागा आगे लाएंगे, ये स्टिच खोल लेंगे और स्लिप करेंगे इसको, और ये देखिए वन टू, और ये लास्ट का एच स्टिच, इसको हम उल्टा बुन लेते हैं। ये रो नंबर टू रोंग साइड वाली मैंने कंप्लीट कर ली है। रो नंबर थ्री में है, देखिए राइट साइड में, राइट साइड देखिए कैसे बुनेंगे। ये स्टिच हम ऐसे ही उतार लेते हैं, एज स्टिच है हमारा, धागा आगे लाएंगे, दो उल्टे बुनेंगे, वन टू, धागा पीछे को करेंगे, और ये जो स्लिप कर रहे हैं स्टिच, इसको ऐसे हम स्लिप कर लेंगे, उतार लेंगे, फिर धागा आगे लाएंगे, वन टू, धागा पीछे ले जाएंगे, और देखिए इसको हम ऐसे के एज इट इज ऐसे ही स्लिप कर लेंगे, वन टू, धागा पीछे ले जाएंगे और इसको स्लिप कर लेंगे, वन टू, धागा पीछे ले जाएंगे और इसको स्लिप कर लेंगे, और ये दो उल्टे, वन टू, और ये है हमारा एज स्टिच, इसको ऐसे हम बुन लेंगे सीधा। ये फ्रेंड्स हमने थर्ड रो इसकी कंप्लीट कर ली है। देखिए रो नंबर फोर है इसकी, रोंग साइड है, रोंग साइड की रो नंबर फोर देखिए कैसे बुनेंगे हम। ये एज स्टिच, इसको उतार लेंगे, दो उल्टे बुनेंगे, वन और टू, देखिए ये स्लिप कर रहे हैं जिसको स्टिच को, इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे एज इट इज़, फिर दो उल्टे बुनेंगे, वन टू, ये स्लिप करेंगे स्टिच, वन टू, देखिए ये स्लिप करेंगे, वन टू, और ये स्लिप करेंगे, वन टू, और ये थ्री, देखिए ये एज स्टिच है, इसको हम उल्टा ही बुन के कंप्लीट करेंगे। फोर्थ रो फ्रेंड्स हमने रोंग साइड की कंप्लीट कर ली है। देखिए फ्रेंड्स इसकी फोर रोज डिज़ाइन की हो चुकी है, बेसिक रो को आप छोड़ दें, वो एक बार ही हमने डालनी है, फोर रोज का ही डिज़ाइन है ये, बस अब आप इसको कलर चेंज करते जाएंगे और फोर रोज रिपीट करते जाएंगे तो डिज़ाइन आता जाएगा। मैं आपको एक बार ये फोर रोज दूसरे कलर के साथ रिपीट करके दिखा रही हूँ। देखिए दूसरा कलर मॉप कलर लगा लिया हमने, तीन सीधे बुनेंगे वैसे जैसे हमने फर्स्ट रो डाली थी। अब देखिए ये स्लिप करा हुआ स्टिच है हमारे पास, इसको हम यहाँ से सीधा बुनेंगे दो बार घुमाते हुए ऐसे, देखिए वन टू, देखिए और ये स्लिप करा हुआ स्टिच, इसको यहाँ से सीधा बुनेंगे पर दो बार धागा घुमाते हुए बुनेंगे, देखिए ऐसे, वन सॉरी वन टू, मैं आपको ये रिपीट करके दिखा रही हूँ। ये देखिए स्लिप करा हुआ स्टिच है ये, इसको हम आगे से ऐसे बुनेंगे पर दो बार धागा घुमाते हुए ऐसे, देखिए वन टू, देखिए स्लिप करा हुआ स्टिच, इसको हम दो बार धागा घुमा के बुनेंगे, वन टू, और ये थ्री, देखिए ये फंदे मैंने बुन लिए हैं, आपको यहीं से दिख जाएगा। देखिए डिज़ाइन आना शुरू हो गया है। अब इसकी तीन रोज़ और डालेंगे इस धागे की, तो इसकी भी ये लाइन आएगी, बहुत सुंदर लगेगी।
चलिए आगे चलते हैं। देखिए रॉन्ग साइड में हम रो नंबर 6 है, रो नंबर 6 रो नंबर 2 की तरह ही डालेंगे हम। जैसे रो नंबर 2 है, धागा चेंज किया बस हमने, एक फंदा उतार लिया, ये एज स्टिच है बुन लिया था हमने। देखिए 1 2 धागा आगे लाएंगे, देखिए ये फंदा खोल लेंगे, इसको स्लिप कर लेंगे, खोल के बुनेंगे नहीं इसको, फिर 2 सीधे 1 2 सेकेंड रो की तरह ही ये चलेगी। देखिए वन टू, देखिए ऐसे स्लिप कर लेंगे फंदा, ये मैं आपको 4 रोज रिपीट करके दिखा रही हूँ दूसरे कलर के साथ, ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। देखिए 2 फंदे सीधे बुन लिए, और लास्ट का ये एज स्टिच है, इसको हम उल्टा बुनेंगे। ये रो नंबर 6 जो है हमने कंप्लीट कर लिए। रो नंबर 7 है ये, राइट साइड है, ये रो नंबर 3 की तरह ही रिपीट करेंगे। जैसे हमने रो नंबर 3 बुना है, वैसे ही इसको बुनेंगे। देखिए ये एच स्टिच है, इसको ऐसे उतार लेंगे, 2 उल्टे 1 2 धागा पीछे ले जाएंगे, और ये फंदा हम ऐसे ही स्लिप करेंगे। देखिए फिर 2 उल्टे 1 2 धागे पीछे ले जाएंगे, और ये फंदा हम स्लिप करेंगे, 1 2 धागा पीछे ले जाएंगे और फंदा स्लिप करेंगे, स्लिप करा हुआ 1 2, रो नंबर 3 की तरह ही इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए 1 2, और ये एज स्टिच है, इसको हम सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। देखिए देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन आना शुरू हो गया है, अभी एक रो और डालते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, रॉन्ग साइड में हम रो नंबर 8 है, रो नंबर 8 को हम रो नंबर 4 की तरह ही बुनेंगे। देखिए एज स्टिच उतार लेंगे, 1 2 2 उल्टे, और ये स्लिप करा हुआ स्टिच, इसको ऐसे उतार लेंगे, स्लिप करेंगे, 1 2 ये देखिए स्लिप करेंगे, 1 2 फंदा स्लिप करेंगे, देखिए ऐसे 1 2 स्लिप करेंगे, 1 2 और ये 3 एज स्टिच, इसको ऐसे ही बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसकी 8 रोज डाल चुके हम, जो 4 रोज जहाँ तक डाली थी वो मैंने फिर से आपको रिपीट करके दिखाई दूसरे कलर के साथ। देखिए डिज़ाइन आना शुरू हो गया है, अब आप इसका ये क्रीम कलर लगाएंगे यहाँ पे, क्रीम के साथ बुनेंगे नेक्स्ट रो। तो आपका ऐसे ही जैसे ये बना है, ये भी मॉव शेड भी इसका ऐसे ही बन जाएगा, और आपको सिर्फ 1 से लेके 4 रोज़ को रिपीट करते जाना है, और 4 रोज़ के बाद आपको, 4 4 रोज़ का डिज़ाइन है, उसके बाद आपको कलर चेंज करते जाना है, तो आपका ये डिज़ाइन आता जाएगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। मैं आपको दूसरे वाला दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब आप इसका ये कलर चेंज करके क्रीम कलर डालेंगे, और इसको जब बुनेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। अब बस आप इसकी ये 4 लाइंस, 1 2 3 4 लाइंस जो हैं, ये रिपीट करते जाएंगे तो डिज़ाइन आता जाएगा। आप भी अपने कार्डिगन पे डालें, बच्चों के स्वेटर पे डालें, बहुत ही सुंदर लगेगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।